ऐसे कड़वे खाना खाने के बाद टहलने का तो बहुत ही मजे है ना। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है चौप, यहाँ पे तो काफी ज्यादा मजे आ गए। ओ क्या मस्त धूप निकल रखी है। हाँ भैया यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कोई आगे वाले पार्क में चले गए घूमने, यार इतनी तो कमी पड़ रही है। अरे यार अभी रह रहे थे, अभी खाना खा लिया, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा मेरा। सही कह रहे भैया, काफी ज्यादा मेरा तो ओवरडोज ही हो गया। अरे चौप यहाँ पे कौन है भाई, सामने वाले पार्क में कोई है यार? क्या बात कर रहे हो भैया, यहाँ पे तो कहाँ पे मुझे तो दिख ही नहीं रहा। अरे यार तेरे को कहाँ से दिखेगी, बाउंड्री से मुझे दिख रही है ना, मैं देख पा रहा हूँ यार। अच्छा भैया वहाँ पे कौन है? अरे यार मुझे लग रहा है कोई बंदा है यहाँ पे, चुराने उराने तो नहीं हमारी गाड़ी वाली को। अरे भैया ऐसे तो खतरनाक सीन हो जाएगा, लगता है हमको चल के देखना चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल सही कह रहा चौप, हमें तो वहाँ पे जाके देखना चाहिए। और यहाँ पे अकेला बंदा क्या कर रहा है, यहाँ पे घूम कैसे रहा है? अगर चुरा लिया हमारी गाड़ी वाड़ी को तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ भैया बात तो सही कह रहे, हमें दौड़ के चलना चाहिए यहाँ पे। ओ भाई तो मुझे भी दिख रहा है भैया, यहाँ पे तो मुझे भी अब जो है स्मेल आ रही है यहाँ पे। अरे हाँ यार ये चौप, अरे ये क्या कर रहा है भाई यहाँ पे, देख लेते। अरे सर आप कौन हो यहाँ पे? अरे बच्चे तुम कौन हो यार, मैं ना अपने यहाँ पे पशुओं को ना चारा खिलाने के लिए लाया हूँ। अरे सर यहाँ पे तो मैंने आपको तो कभी नहीं देखा, और ये मुर्गियाँ सब इतने सारी क्या कर रही है, कोई भाग भाग गई तो? अरे बच्चों यहाँ पे जो है गाय ये सभी भैंस है, ऊपर यहाँ रेगुलर टाइम पे लेके आता हूँ। अरे भैया ये देखो ये कुत्ता किस पर कैसे लटका हुआ है। अरे सर थैंक यू सो मच, मुझे बचा लिया, पता नहीं क्या हो गया ना, मैं यहाँ पे लटका हुआ था काफी देर से, आबरा का डाबरा कर दिया था किसी ने मुझे। अरे यार ऐसे कैसे कर दिया, यहाँ पे कोई आया था क्या तुम्हारे साथ? हाँ आया तो था लेकिन वो चला गया मेरे को ऐसे लटका के। अच्छा अरे सर यहाँ पे आप इतने सारे मुर्गियों का क्या करते हो आप? अरे बच्चे मैं ना यहाँ जितनी भी मुर्गियों को ना पहले तो खिला पिला के बड़े कर देता हूँ, उसके बाद उनको बेचता भी हूँ। अरे सर क्या बात कर रहे हो, हमको भी दो चार मुर्गियाँ दे दो। नहीं नहीं बच्चा मैं आपको नहीं दे सकता कोई सा मुर्गियाँ, ये सब जो है किसी हमारे मालिक के लिए, मालिक अगर गिन के दिया है हमको तो मैं नहीं दे सकता किसी को भी। अरे सर देख लो कुछ पैसे वैसे ले लो, आप बड़े करके भी तो बेचोगे तो पैसे ही तो कमाओगे ना, हमसे ले लो। हाँ सही कह रहे हो अंकल, आप तो हमको दे दो ना ये सारी मुर्गियाँ, दो चार तो दे ही सकते हो, काफी ज्यादा मुझे हड्डी का काफी शौक भी है। अरे लेकिन बच्चे मैं नहीं दे सकता, मेरी मालिक बोलेगा कि अभी तो छोटे 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 को नहीं बेचते हम इतने सारे मुर्गियों के। अरे सर मैं जा रहा हूँ यार। अरे डॉगी कहाँ जा रहे हो तुम? अरे सर मैं जा रहा हूँ अपने मालिक के पास। अरे तो तुम्हारा मालिक छोड़ के चला गया, अब तुम कहाँ जा रहे हो? तो पता नहीं कहाँ पर है लेकिन कोई बात, मैं सूंघते हुए चला जाऊंगा। अरे भैया छोड़ो ना, आप उसके चक्कर में क्यों पड़े हो, मैं तो हूँ ना आपके लिए। हाँ सही कह रहा चौप, मैं देख लेता हूँ आपकी गाय कहाँ पर है। ऊपर है बच्चे मेरी, सारे बहुत सारी गाय लेके मैं रेगुलर टाइम पर आता हूँ उनको घास वास खिलाने के लिए। क्या बात कर रहे हो, वो दूध ये सब भी देती है क्या? हाँ बच्चे वो दूध भी देती है, और मैं जो उनका दूध बेचता भी हूँ, बहुत सारे जो है मेरे को इनकम भी होती है इससे, और हमारे मालिक के पास तो बहुत सारी गाय है। अरे भैया क्या बात कर रहे हो, एक दो गाय ले चले क्या, हम भी जो दूध बेचना स्टार्ट कर दे क्या? अरे नहीं नहीं बच्चे मैं नहीं दे सकता एक भी गाय यहाँ पे, कोई भी देख लो कुछ भी मत करना तुम इन सब गायों का। अरे सर आपके पास तो इतनी सारी गाय है तो हमको एक तो दे ही सकते हो ना। नहीं नहीं बच्चे मैं नहीं दे सकता, मैं देता लेकिन क्या करूँ, मेरा मालिक गिन के भेजा है यहाँ पे, तो मैं एक भी मुर्गे और ये सब ही नहीं दे सकता। अरे सर देख लो आपको अगर रिक्वेस्ट है, चौप बोल रहा है तो चौप का तो बात मान ही सकते हो ना। देखो डॉगी मैं आपको नहीं देख सकता। ओ मेरा नाम डॉगी नहीं, मेरा नाम चौप है, चौप नाम लेके आप बुलाओ। अच्छा सॉरी चौप भाई लेकिन मैं नहीं दे सकता, क्या करे। अरे यार चौप ये तो दे ही नहीं रहा। अरे भैया मैं क्या बोलूं, एक गाय लेके चलते हैं ना, बोल देते हैं हम दे देंगे पैसा, नहीं तो कुछ टाइम के लिए रख लेते हैं। अरे देख लो सर हमको ये गाय काफी बढ़िया लग रही है, चौप क्या बोलता है, ले चले क्या? देख लो बच्चों मैं नहीं दे सकता क्या, देखो ये सारी का नाम रख रखा है, इसका नाम रिंकी है, ये रिंकी काफी ज्यादा दूध देती है, और ये पिंकी ना काफी ज्यादा जो मारती हुई लात मार देती है, तो बेटा ये तुम उड़ जाओगे, और रिंकी पिंकी से दूर ही रह रहे हैं, दोनों जुड़वा बहने हैं। अच्छा क्या बात कर रहे हो सर, दोनों देखो ये वाली मुझे काफी पसंद है, मैं इसको ले सकता हूँ क्या? नहीं नहीं बच्चे इसको नहीं ले सकते, देखो मैं दे सकता हूँ लेकिन मुझे क्या मिलेगा। अरे सर आपको चाहिए तो पैसे ले लो, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, आप अगर चाहते हो तो पैसे दे सकते हैं, कितने पैसे चाहिए? देखो बच्चे हमने जो लास्ट गाय बेची थी 80,000 रुपए का बेचा था, अगर तुमको चाहिए तो 80,000 दे दो और ले जा सकते हो, और वहाँ पे दो गाय है तो वो भी बहुत ज्यादा रॉकिंग है, वो देख रहे हो दो गाय जो हमारी दूध से पार करी हुई है, वो बहुत ज्यादा दूध देती है और वो इनकम भी काफी ज्यादा है उनकी। लेकिन सर मुझे नहीं चाहिए वो दो, वो ये वाली जो है काफी बढ़िया लग रही है। हाँ दिखने में तो काफी अच्छी है लेकिन काफी दूर है, लेकिन कोई बात नहीं मुझे ये गाय काफी बढ़िया लग रही है, क्या बोलता है चौप ले चले क्या? हाँ भैया ये वाली गाय तो काफी मुझे भी अच्छी लग रही है, ये कलर भी इसका अच्छा है, तो इसको ले चले क्या, आप चलोगी क्या गाँव माता? हाँ मुझे ले चलो, मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा मालिक ही ना मुझे इधर तो जाने ही नहीं देता है क्या? आप टेंशन मत लो गाय जी, हम आपको ले चलेंगे, आप अगर हमारे साथ चलोगी तो। हाँ बिल्कुल मैं आपके साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे बस ये है कि रेगुलर घास फूस मिलते रहना चाहिए खाने के लिए। अरे आप टेंशन मत लो, हमारे ये फ्रैंकलिन भैया खाने पीने में कोई भी कमी नहीं करते, मुझे तो बस सीधा साधा जो है शाकाहारी खाना पसंद है। अरे तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं आपको दिला दूंगा, आपको जितने भी चारा ये सब खाना हो हमारे यहाँ तो बहुत सारी अनलिमिटेड है। ओ क्या बात कर रहे हो, आपके पास इतना सारा पैसा है क्या? मेरे मालिक तो इतना कंजूस है, देता भी नहीं है कुछ भी। आपके मालिक ऐसे है क्या, कुछ भी नहीं खिलाते क्या टाइम पे? हाँ कुछ भी नहीं देते, बस दूध निकाल के अपना बेच देते, और मेरे को बस थोड़ा सा घास फूस ला के दे देते। क्या बात कर रहे,
रहे हो, हमारे पास रेगुलर रहोगे तो कोई भी टेंशन नहीं होगा आपको। क्या बात कर रहे हो, मैं तो नहीं जा रही, मैं तो आपको कहाँ अंदर चलना है क्या? नहीं नहीं आपको अंदर नहीं चलना है, यहीं पे रह लो, मैं आपको यहीं पे बांध देता हूँ और हम आपके लिए कुछ खाना अंदर से लेके आते, तो तब तक आप यहीं पे रहना, भाग तो नहीं जाओगे ना अपने मालिक के पास? नहीं नहीं मैं नहीं भागूंगी, आप टेंशन मत लो, बस मुझे अभी भूख लगी तो कुछ ला के दे दो, तब तक चल चौप लेके आते कुछ इसके लिए। हाँ भी बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो अंदर चलते कुछ लेके आते इसके लिए।